हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं की दो चुनौतियां हैं, पहली कैसे सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, और दूसरी कैसे इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, किफायती बनाया जाए। मुश्किल है, पर क्या जीतना नामुमकिन है? इलाज में महंगी दवाइयां न खरीद पाने के कारण हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन बाजार में एक सस्ते विकल्प के रूप में जेनरिक दवाएं भी हैं। जेनरिक दवाइयां जो होती हैं वो टोटल साल्ट नेम के आधार पर बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए सिप्रोफ्लासासिन है, तो जो स्पेशली जैसे सिप्ला हुआ, सिप्ला अपना ब्रांड नेम देता है सिप्लाक्स, और जो जेनरिक होती है वो दवाई सिप्रोफ्लासासिन के नाम से बनाई जाती है, उसमें ब्रांड नेम नहीं होता। ब्रांड नेम जो होता है वो ट्रेड नेम होता है कंपनी का, उस ट्रेड नेम पर कंपनी को टैक्स देना होता है। जितने उस स्टेट की दवाई निकलेगी, जितनी बैच की, उस स्टेट पे कंपनी को टैक्स टोटल देना पड़ता है 100%, और उसका रॉ मटेरियल टोटल 100% प्योर होता है। और जेनरिक दवाई जो होती है उसका रॉ मटेरियल 100% प्योर नहीं होता। तो जेनरिक और ब्रांड में फर्क इतना है कि जेनरिक जो होती है वो सिप्रोफ्लासासिन के नाम से बनेगी, और ब्रांड नेम की दवाई है जैसे सिप्रोफ्लासासिन है तो अपना नाम देगा वो ट्रेड नेम, जैसे सिप्लॉक्स है, सिप्रोलिप है, सिप्रोजेट है। बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। दवाइयों के बारे में और पता करने के लिए हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया, फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में केमिस्ट की दुकान से ली, और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनरिक मेडिसिन की दुकान से भी ली। दवाइयों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। मेडिसिन जो हैं वो दो तरह से एक नॉर्मल पॉपुलेशन को पहुँचती हैं, एक वो जो ब्रांडेड है जो अपना ऐड भी करते हैं या डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं, दूसरी दवाइयाँ जो कि एथिकल है, ब्रांड नेम जो कि जो उसका कंपाउंड है, फार्मूला जो फार्माकोलॉजिकल फार्मूला है उसके थ्रू डायरेक्ट कंपनियाँ देती हैं। कॉस्ट में कई मेडिसिन में 1/10 का अंतर रहता है। जैसे कोई मेडिसिन 70 रुपये की एक गोली है, वही मेडिसिन 7 रुपये की पड़ती है जेनरिक में, क्योंकि उसमें उनको मार्केटिंग करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव रखने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट वाला जो खर्चा है वो सारा कुछ बच जाता है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कम आई है। जब हमने बाजार में केमिस्ट से बात की तो हमें पता चला कि दवाइयों की वास्तविक कीमत बहुत कम है। जब वो बाजार से खरीद कर लाते हैं तो वो हमें ये 10 गुना, 20 गुना और कभी कभी तो 50 गुना ज्यादा दामों में भी बेचते हैं। ये आपके सिफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन है, इसकी MRP जो है 262 है, और ये हम लोगों की कॉस्ट आती है 45 रुपीज़ की। मार्केट से हम लोग जो है 45 रुपीज़ की लाते हैं। इसकी मार्जिन तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ये ख़रीद हम लोगों की बहुत ही सस्ती आती है। और पेटेंट जो पेटेंट कंपनियां हैं इसी फार्मूले में तो मात्र 20% मार्जिन देती हैं हम लोगों को, जिसकी जो है इसमें कमीशन जाता है डॉक्टरों के। जैसे पेटेंट दवाएं और जेनरिक दवाएं, बस यही अंतर रहता है कि हम लोगों को जो मिलती है उसमें जो है जितनी भी मार्जिन डॉक्टर की और मार्केटिंग में जितने भी जो है वो रहता है, हम लोगों को टोटल मार्जिन मिल जाती है। इस वजह से ये सॉल्ट में हम लोगों को बहुत ही सस्ती पड़ती है, इस वजह से इसको जेनरिक हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये जेनरिक है। और बाकी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस वजह से वो पेटेंट हो जाती हैं, पेटेंट कंपनियां रहती हैं, उनको इतना ज़्यादा कमीशन मिलता है डॉक्टरों को कि वो जेनरिक में तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, मिलता है सब डॉक्टरी को। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मान लीजिए इसमें जो है आपने जो है 2 लाख का हमारा पर ईयर 2 लाख का लिखा, तो उसमें
50,000 जो है डॉक्टर के ऊपर खर्च कर देती कंपनियां। जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि डॉक्टर हमें जेनरिक दवाएं खाने के लिए क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने हमें ये बताया, जल्दी से जेनरिक डॉक्टर लिखता ही नहीं, क्योंकि उसमें उसको मार्जिन मिलेगा ही नहीं। ये हमारे यहाँ बस यही फर्क है कि जो है जेनरिक और पेटेंट का, पेटेंट यदि डॉक्टर चाहे तो जो है जेनरिक भी लिख सकता है, यदि शॉर्ट लिखेगा तो हम पक्का इसको यही देंगे पेशेंट को, उसको भी दो पैसे का फायदा होगा, गरीब लोग भी ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं कि जो है इसी फार्मूले में जेनरिक दवाएं लिख रहा है, लेकिन कस्टमर को, पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि ये जेनरिक दवाएं हैं कैसी हैं। वो मार्जिन जो है डॉक्टर भी लेता है, रिटेलर भी लेता है, दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। गरीब आदमी बेचारा पिसता है, उसकी जेब से जो है जाता है पैसा। यदि ये चीज़ हर आदमी को, हर नागरिक को यदि ये पता चल जाए कि नहीं जेनरिक और पेटेंट में क्या फ़र्क है, तो इसका पूरा पूरा जो है उसको लाभ मिलेगा। भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते, तो क्या वह ये महंगी दवाइयाँ खरीद सकते हैं? भारत से लगभग 45,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाएं विदेशों को निर्यात की जाती हैं, लेकिन हम अपने ही देश में इससे परे हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए इंडिया के अंदर कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक जो पॉपुलेशन है वहाँ तक वो मेडिसिन पहुँचे बिना किसी कट कमीशन या जो अलग जो इसमें एक्सपेंसेस डाले जाते हैं कंपनी के खर्चे में, वो सारे खर्चे अल्टीमेटली पेशेंट को बर्डन पड़ता है, तो वो ना पड़े। इसके लिए हमें एनजीओ के मार्फत या गवर्नमेंट जो टेलीविजन पे निकालती है उसमें ऐड देके ये लोगों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आप जेनरिक दवाई मांगिए, जेनरिक दवा की कॉस्ट बहुत कम होती है। Generic medicines should be promoted because branded medicines are very very expensive for general patients. Like I'll give you some example, जैसे pentopic दवा आती है वो अगर आप market से लेंगे तो that will cost the patient around 85 rupees for 10 tablets. Whereas if you take the generic medicine for pentop, that will cost around 10 rupees. So there is a lot of difference. बट रीज़न क्या है कि कंपनियां चूंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए वो सब जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती है। जन औषधि फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू किया गया अभियान है आम जनता के लिए सस्ती कीमतों पर दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए। भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। भारत में करीब 106 जन औषधि स्टोर हैं, जिनका मकसद है लोगों तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना।